हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल lin.k pharma। आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली में निकली हुई बहुत सारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में, जो कि निकली हैं 133। कहाँ पे निकली हुई हैं? ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं और जिसको कराएगा कौन? DSSSB। DSSSB क्या है? दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये कराएगा एग्जामिनेशन। फार्मासिस्ट के अलावा यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकली है और नर्स की यानी ANM की भी वैकेंसी निकली हुई है और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी 32 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी को ऑल इंडिया के फार्मासिस्ट फार्म को भर सकते हैं। ओके, और एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेक्शन कैसा होगा, कैसे मेरिट बनेगी, कितने मार्क्स चाहिए, एज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में एज का बहुत लफड़ा है। ओके, एज बदल जाती है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल निकल जाएगा दिमाग से। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक एक चीज को मैंने अच्छे से बताया है। सैलरी के अभी यहाँ पे डिफरेंस है, कहीं पे सैलरी कम है, कहीं पे ज़्यादा है। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी मैंने बताया है, किसको कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि दिल्ली वाले जो भी जॉब होते हैं उनमें एज का बहुत ही ज़्यादा पंगा रहता है, क्योंकि बहुत कम एज दी जाती है। इसीलिए आप लोग देखें कि एज के बारे में भी मैंने बताया है। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल lin.k pharma को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दें। ओके, तो हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे lin.k pharma पे। आप लोग देख सकते हैं कि 2440 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अभी तक मैंने 103 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी के बारे में, सिलेबस के बारे में, बी फार्मा डी फार्मा के बारे में मैं डालता रहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है ये ओपन है अभी भी, इसकी डेट है अभी। जूनियर असिस्टेंट यानी कि ये एयरमैन फार्मासिस्ट, इसकी भी वैकेंसी चल रही है। सिपोही फार्मासिस्ट, इसकी भी वैकेंसी चल रही है। और DSSSB जो पहले वैकेंसी निकली हुई थी उसका भी अभी टाइम है। ओके, ये वाला ये है, ये इसका टाइम अभी चल रहा है। और UPSSC की भी अभी टाइम चल रहा है, लेकिन इसमें आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं। तो ये सारी वैकेंसी अभी करंट में चल रही है। ओके, आप लोग चाहें तो इसमें अभी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, मैं स्पेशली इसके लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पहले से ही फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। ओके, चलिए देखते हैं अपने फॉर्म के बारे में कि कौन सा फॉर्म है, क्या डिटेल है इसकी, कितनी इसकी सैलरी रहेगी और क्या इसका पे मिलेगा, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके, आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के नाम से ये दिया हुआ है और इसका जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है? दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, इसके द्वारा ये एग्जाम कराया जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी जो निकली हुई है वो देखिए, लैब टेक्नीशियन, जूनियर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, ओके, नर्स एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की यहाँ पे दी हुई है। एंड थैंक गॉड ये एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए है, एलोपैथिक के लिए है, ये आयुर्वेदा का नहीं है। ओके, तो इसमें डिप्लोमा और बी फार्मा वाले जो अपने करते हैं वो दे सकते हैं एग्जाम। इसके बाद इसकी जो ओपनिंग डेट है, फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, इसकी ओपनिंग डेट यहाँ पे दी हुई है, ये 21 मार्च से फॉर्म ओपन होगा और इसकी क्लोजिंग डेट जो होगी वो 19 अप्रैल तक रहेगी। ओके, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन यहाँ पे देख रहे हैं, ये 38 वैकेंसी, 6 वैकेंसी इस तरह से ही लैब टेक्नीशियन की और वैकेंसी भी हैं, वो मैंने आपको टोटल बता दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये कोड है 815/24, ये कोड याद रखिएगा, आगे यूज में आएगा ये। ठीक है, ये रहा फार्मासिस्ट। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई है। पे लेवल कौन सा है? पे लेवल यहाँ पे 5th लेवल का यहाँ पे जॉब दिया जाएगा। इसमें जो जनरल वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी में, उसमें 35 वैकेंसी है। ओके, इसके बाद OBC की कितनी है? 41 है। SC की कितनी है? 17 है। और ST की कितनी है? 12 है। और ये EWS की है 5। ओके, इस तरह से ये टोटल 110 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ओके, ये एक सर्विस मैन के लिए भी है और कुछ और है, मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से दूसरी जो है वो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है और ये 18 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। नर्स की बात करेंगे, अगर नर्स में देखेंगे ANM और GNM दोनों में, तो यहाँ पे 144 वैकेंसी एक जगह पे है और 8 वैकेंसी एक जगह पे है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फार्मासिस्ट की एक और वैकेंसी है जिसे बोल रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी है? यहाँ पे 2 वैकेंसी ही है और वो भी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की है।
ओके, जनरल कैटेगरी की है और ये पे लेवल 4 है। इसके बाद एक और है फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जूनियर फार्मासिस्ट। ओके, ये रहा जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, ये है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, यहाँ पे 5th लेवल की जॉब है ये, और एक वैकेंसी यहाँ पे, कितनी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। इसके बाद असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये इसकी जो वैकेंसी है, एक जगह पे 4 है और एक जगह पे 24 है, तो आप लोग इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 19/4/2024 तक सबमिट हो जाने चाहिए। ओके, बताएंगे अभी कैसे फॉर्म भरेंगे, ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जाके आपको वेबसाइट में फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे कि पहले वाले फॉर्म हमने भरे थे। ओके, वैसे ही भरा जाएगा ये भी। डिटेल में हम लोग जब बात करते हैं फार्मासिस्ट के बारे में, तो यहाँ पे जो कोड है वो ये है 81524, ये कोड दिया हुआ है। इसके अंतर्गत इसका एग्जाम पैटर्न अलग है, इसमें बताया जाएगा अभी। ओके, और ये वैकेंसी की डिटेल है जो मैंने आपको अभी बताई दी है, कितने कितनी वैकेंसी है। ओके, SC ST OBC, ये एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पे 10 वैकेंसी दी हुई है। ओके, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए ये 3, 2, 5, 2, 7 7 वैकेंसी फिजिकली हैंडीकैप के लिए है। ओके, तो इस तरह से फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी हुई। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, हाई स्कूल आपने पास किया होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए किसी भी काउंसिल से। ओके, किसी भी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा हो चाहे आप बी फार्म हो, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट या एज ए डिस्पेंसर। नॉलेज आपको किसकी होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, जो पे स्केल है, पे स्केल कितना रखा गया है, 29,200 से लेके 92,300, जैसे आप लोगों को सबको पता ही है कि ये लेवल 5 की जॉब है और ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 5 में इतनी ही पे स्केल दिया जाता है। ओके, एज लिमिट बात कर लेंगे, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एज की लिमिट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। ओके, पहले कितनी थी, 18 से लेके 25 थी, लेकिन यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे जो एज है वो कितनी है, 18 से लेके 32, 18 से 32 यहाँ पे एज कर दी गई है। ओके, इसके अलावा SC ST OBC और जो भी रिलैक्सेशन जिनको मिलता है एज में, उनको एज पर रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर पैरा 8। ओके, या एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, कैसे अभी हम बताएंगे आपको क्या पे, ठीक है। इसी तरह से और फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, उसमें भी ऐसे ही डिप्लोमा चाहिए और फार्मासिस्ट की वैकेंसी डिप्लोमा, इसी तरह से दूसरी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है तो उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए होता है। ओके, एज रिलैक्सेशन, एज भी वैसे ही है, एज रिलैक्सेशन भी वैसे ही है। इसके बाद में ऑक्सिलरी नर्स के लिए क्या है, तो ये क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑक्सिलरी नर्स के लिए। इसके बाद है, ये दूसरी वैकेंसी है ऑक्सिलरी नर्स की, एंड एक और फार्मासिस्ट की वैकेंसी है यहाँ पे, ये है जूनियर फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या है, ये है बी फार्मा, बी फार्मा आपने किया हो या डिप्लोमा किया हुआ हो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिजायरेबल में नील है, यानी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस का काम नहीं है। ओके, सैलरी यहाँ पे क्या रखी गई है, सैलरी 25,500 से लेके 81,100 रखी गई है। लेवल क्या है, लेवल यहाँ पे सिर्फ 4 लेवल की है जॉब है, और यहाँ जो एज लिमिट है, एज लिमिट यहाँ पे कितनी कर दी गई है, 18 से लेके 27 तक, यहाँ एज भी कम की गई है। ओके, इसी तरह से जूनियर फार्मासिस्ट की जॉब है, जूनियर फार्मासिस्ट की जॉब में क्या है, 3 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, 1 2 OBC के लिए है और 1 SC के लिए है। ओके, इसके बाद देखेंगे कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे 10+2 प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ओके, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट या एज ए डिस्पेंसर। ओके, यहाँ पे जो पे स्केल है आप देखें, 21,900 से लेके 92,300, 31,900 से लेके 92,300, यानी कि बड़ा हुआ स्केल यहाँ पे दिया जा रहा है जूनियर फार्मासिस्ट में, 18 से 27 तक की यहाँ पे एज रखी गई है। ओके, तो इस तरह से ये वैकेंसी बहुत सारी निकली हुई है फार्मासिस्ट की, और ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस 4 वैकेंसी है, आप लोग जो भी यहाँ पे देखने वाले हैं वो देख के अपना समझ लें। ओके, इसी तरह से दूसरी जॉब भी है, तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे होगी, जो बताया गया है वो होना चाहिए, और फॉर्म 29/4 तक सबमिट कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है 21 मार्च को, अभी नहीं। ओके, अभी यहाँ पे ओपन नहीं है। फी कितनी है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे क्या रखी गई है, 100 रुपए के करीब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है,
और परीक्षा की स्कीम कैसी होगी, एग्जामिनेशन की स्कीम कैसी रखी जाएगी। तो यहाँ पे दो तरह के एग्जाम होंगे, दो टीयर में, यानी कि टीयर 1 टीयर 2। तो टीयर 1 में जो वैकेंसी है, यानी कि इस वाली वैकेंसी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए जो है वो ये है जो मैं बता रहा था ना कि आप लोग याद रखें कि अपना कोड क्या है। तो ये कोड यहाँ पे है, ठीक है, 815 हमारा कोड है और एक 819 हमारा कोड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 आवर का एग्जाम होगा, 200 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के ये रहेंगे। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन आएगा, फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, देन अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रेहेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन। तो 20-20 क्वेश्चन इसमें से ईच लिए जाएंगे, और परीक्षा का माध्यम जो है ना वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, सो डोंट वरी। ओके, इसके बाद जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में क्या होगा, सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ओके, तो इस तरह से ये जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए ये स्पेशली ए और बी कैटेगरी में 2 तरह के एग्जाम पेपर आएंगे, होगा एक ही बार में। ओके, और इसके बाद देख लें यहाँ पे ये बायलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एग्जाम होगा। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में क्या बोला गया है, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में ये बोला गया है कि आप लोग टाइम रहते अपनी प्रेफरेंस बता देने, तो फाइनल में फिर बताया नहीं जाएगा। जैसे कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 प्रेफरेंस फॉर ए पोस्ट, कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम will not be considered for any post in the final result। okay, so ये बोला गया है। तो आप लोग टाइम रहते अपनी प्रेफरेंस बता दें कि किस तरह की आपको कौन सी जॉब आपको करनी है, क्योंकि बहुत सारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे निकली हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए क्या बोला गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि किस तरह का पैटर्न रहेगा। ओके, तो इसकी डेट ये बता देंगे कि किस टाइम पे किस डेट में एग्जाम होंगे। ओके, इसके बाद अब मेरिट में आने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरिट में आने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया है, इससे कम अगर होगा तो ये मेरिट में ही शामिल नहीं करेंगे। ओके, जैसे जनरल है तो जनरल के लिए 40% मिनिमम आने आने ही चाहिए, ओबीसी के लिए 35% आने ही चाहिए, SC ST ओबीसी, SC ST PH फिजिकली हैंडीकैप जो है उनको 30% आने चाहिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना तो आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो मेरिट में ही नहीं आ पाएगा। ओके, देन अच्छा हाँ, अगर किसी के सेम एग्जाम सेम नंबर आते हैं तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिसके जो टेक्निकल कोर्स है, यानी कि टेक्निकल जो पेपर होगा उसमें ज्यादा होंगे उसको ज्यादा वरीयता दी जाएगी। प्लस फिर भी अगर किसी का नहीं समाधान निकलता है तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी, ये ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो पढ़ लेना। रिलैक्सेशन के बारे में, जैसे SC ST है तो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का मिलेगा, PWD के लिए 10 साल का मिलेगा, PWD प्लस SC ST अगर है तो 15 साल का रिलैक्सेशन है, PWD प्लस OBC है तो 13 साल का रिलैक्सेशन है। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म ही रहता है। ओके, बाकी जो फॉर्म भरेंगे तो आपको ये PDF आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख के कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, फॉर्म तभी भरें जब आप अच्छे से पढ़ लें पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल lin.ke फार्मा को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जाते जाते एक लाइक करते हुए जाएं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके, एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो की रीच बढ़ती है। ओके, तो जाते जाते बेल आइकन पे भी हिट कर दें, जिससे जब भी कोई नोटिफिकेशन नया वीडियो में डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी फार्मेसी।